गुजरात को मिलवाक जाऊँगी प्रथम सी ब्रिज 400 कोटीर एही प्रकल्प पई शिलान्यास करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सह केन्द्र सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मध्य एही शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित थिले। मुंबई रे वांद्रा वर्ली सी लिंक ढांचा अनुसार यह निर्माण हेबो बोली अधिकारी माने सूचना देछंती। एही सी ब्रिज निर्माण हेले ओखा एवं बीट द्वारिका को प्रतिवर्ष बुली आसुथिबा प्राय 20 लाख रु अधिक पर्यटक को सहजरे यात्रा सुविधा जोगाई दिया जाय परिबो। पूर्व यात्रीमाने केवल पारंपरिक डंगार साहाय्य नेउथिले। ब्रिजर शिलान्यास परे साधारण सभा को संबोधित करिछंती प्रधानमंत्री। अरब सागररु माछ मारुथिबा मत्स्यजीवीको आर्थिक स्थिति सुधारिबा पई सरकार अनेक योजना आरंभ करिबाकु जाउछंती बोली कहिछंती प्रधानमंत्री। आसंतु सुनिबा निज उद्बोधन रे आउ केउं सब गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उठाइछंती प्रधानमंत्री। तीन महीने में जो भी जानकारी आई उसके आधार पर कल हमारे वित्त मंत्री जी ने जीएसटी काउंसिल में सबको मनवा करके बहुत बड़े अहम फैसले लिए और मुझे खुशी है कि एक एक स्वर में हिंदुस्तान के हर कोने में इसका स्वागत हुआ है और यही तो देश की ताकत है। जब एक सरकार पर विश्वास होता है निर्णय के पीछे ईमानदारी नजर आती है तो देश कठिनाइयों के बावजूद भी जी जान से साथ जुड़ जाता है। वो मैं अनुभव कर रहा हूं और इसलिए मैं देशवासियों का आभारी हूं कि जीएसटी में जो हमने और अधिक सिंपल टैक्स को और अधिक सिंपलर करने का प्रयास किया है उसका जो स्वागत हुआ है उसके लिए मैं उनका आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। हम एक ऐसी योजना लाए कि कुछ मछुआरे भाई बहन हमारे इकट्ठे हो जाए, माछीमार भाई बहन हमारे इकट्ठे हो जाए, सरकार उनको लोन देगी, कम ब्याज से लोन देगी और 1.5 करोड़ 2 करोड़ की बड़ी बोट वो ला सके उसका प्रबंध करवाएगी और अगर वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ की बड़ी बोट रखेगा तो 10-12 नोटिकल माइल से भी अंदर समंदर में जाकर के वहां तो समंदर के भीतर भी मछलियों का सागर होता है डीप सी में, वो अगर वहां चला जाएगा जो काम उसको 3 दिन में करना होता है वो आधे एक दिन के अंदर पूरा कर करके 3 गुना 4 गुना कमाई करने वाली व्यवस्था लेकर के अपने किनारे पर वापस आ सकता है और उसमें कोल्ड स्टोरेज समेत सभी व्यवस्था रहे, इस प्रकार का प्रबंध हम हमारे मछुआरों को व्यवस्था देना चाहते हैं।